हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस सी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया के बारे में अगर हम रेगुलेटरी बॉडी वर्ड को डिस्कस करें तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बना लेती है अब ये मिनिस्ट्री क्यों बनाई जाती है कि भाई एक मिनिस्ट्री बनाई गई कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडस्ट्रीज सिमिलर सेट ऑफ इंडस्ट्रीज सिमिलर सेट ऑफ सेक्टर्स का एक ही मिनिस्ट्री ध्यान रखे ऐसी अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग काम दे दिया गया अब ये मिनिस्ट्रीज क्या करती है उनके अंदर जो सिमिलर सेट ऑफ इंडस्ट्रीज सिमिलर सेट ऑफ सेक्टर्स के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का काम उस मिनिस्ट्री को दिया गया वो मिनिस्ट्री कहेगी मैं अलग अलग रेगुलेटर बना रहा हूं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड सेक्टर के लिए जैसे कि अगर हम टेलीकोम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्युनिकेशन ने अपने अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी को बनाया टी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टेलीकोम्यनिकेशन इंडस्ट्री के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का, का काम करता है ऐसी अगर हम बात करें सिविल एविएशन के रेस्पेक्ट में तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डीजीसीए को बनाया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो सिविल एविएशन की आ, रेगुलेशन सिविल एविएशन की इंडस्ट्री के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का, का, का काम करता है अगर हम फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो यहाँ पर दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक मिनिस्ट्री जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई को बनाया इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया पेंशन फंड एंड पेंशन की योजना को रेगुलेट करने के लिए ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बनेंगे जो यूनिट्स बनेंगे उनको रेगुलेट करा जाएगा उनके रिस्पेक्ट में रेगुलशन लाई जाएंगे एक और मिनिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलावा जो की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स का क्या पर्पस है क्यों बनाया गया देखो अगर आपको इंडिया के अंदर बिजनेस करना आपको कोई बिजनेस uh, इको का पार्ट बनना है तो जनरली बोला जाता है कि आप अपनी एंटिटी को इनकॉपरेट करा लें इसका मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लें फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज एक्ट की बात करें अगर एक एंटिटी कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनीज एक्ट के सारे के सारे प्रोविजन सारे के सारे लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं जो बिजनेस इको का पार्ट है अगर मैं क्रेडिटर हूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत रहता हूं कि इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई करता है और इसके पीछे एक रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व है जो इसकी वर्किंग के बारे में ध्यान रखना है इस कंपनीज एक्ट ने ढेर सारे प्रोविजंस मोल्ड रखे हैं जिसको इस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जिसके बारे में ध्यान रखा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स के द्वारा तो कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेटरी सिस्टम के लिए ये इन्फॉर्मेशन ये इन कॉपरेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कही हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स को एक काम दिया गया कि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह और रही कंपनी की या फिर अलग अलग एक्ट के अंदर उसके बारे में आपको लॉज बनाने उसके रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन जो रेगुलेशन वगैरह बने वो आप लेकर आएंगे ठीक है जी तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स के अंदर किन किन एक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम दिया गया कौन कौन से एक्ट इनको ध्यान रखना है कौन कौन से एक्ट के ऊपर इनको रेगुलेशन लेकर आने हैं अब आपके एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है एक स्पेसिफिक एक्ट या आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको कौन सी रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है

तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर प्राइमरली कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक्ट के लिए देखो बड़े सारे एक्ट है जिसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बट अगर majority, एक मेजर एक्ट की बात करूं तो वो कंपनीज एक्ट ही है जनरली जो यहाँ पे बिजनेस अच्छे लेवल पे हो रहे हैं वो सारे कंपनी के फॉर्म में कॉपरेशन लेते हैं तभी बिजनेस को रन करते हैं चलो लिस्ट ऑफ एक्ट आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एडमिनिस्टर करता है पहला एक्ट आ गया कंपनीज एक्ट टू अच्छा ये कंपनीज एक्ट 2013 का ये मतलब नहीं है कि 13 से पहले कोई कंपनीज एक्ट नहीं था

उसमें सारे के सारे प्रोविजन फिफ्टी सिक्स जो 56 था, 1956, उसको उठा के बस नए सेक्शन में कन्वर्ट दिया गया था ठीक है ना कंपनी को कैसे फॉर्म करना है कैसे फंक्शन करेंगी कंपनी के बारे में लॉस लिखे गए ठीक है अगर 1956 के की बात करें, तो वो बनाया गया था बाबा कमेटी की रिकमेंडेशन पे कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग पहले क्वेश्चंस भी आ जाते स्टार्टिंग नॉलेज के ऊपर ठीक है दूसरा एक्ट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोट रेगुलेट करता है वो है द पार्टनरशिप एक्ट आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आया था कि एल एल पी एक्ट एडमिनिस्टर करता है रेगुलेट करता है है ठीक ना तो सारे के सारे एक्ट का नाम याद करना एक ब्रीफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के परिवहन में पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है कि इंडिया के अंदर पार्टनरशिप कैसे रन करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जिन्होंने अग्री करा कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस कैरी करा जाएगा बिजनेस के पर्पज के लिए चाहे वो बिजनेस को एक पर्सन कैरी करे एक पार्टनर कैरी करे या फिर सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर चलाए ठीक है जी इसकी अगर एक फीचर की बात करें पार्टनरशिप एक्ट की तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है इसके अंदर अगर एक पार्टनर कोई एक्ट करता है तो पूरी पार्टनरशिप फर्म एंड अदर पार्टनर्स लाइबल हो जाते हैं उस एक्ट के लिए अब यहाँ पर कोई ना कोई थोड़ी सी दिक्कत आ गई जी पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह होगी

तो यहाँ पर कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं है बट अगेन यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वगैरह थोड़ा सा मतलब इजी इनका क्या कहते हैं काम करने का तरीका तो है बट लाइबिलिटी ज्यादा आ सकती है हमारे ऊपर तो इन दोनों को मिलाकर एक एक्ट को बनाया गया जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट यहां पर पार्टनरशिप पहले आपको क्या कहते हैं बेनिफिट दिए गए कि आप कम कंप्लायंस वगैरह करें ज्यादा कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है बट जो एक पिं पॉइंट था पार्टनरशिप के अंदर जहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी उसके अंदर एक लिमिट लगाई गई कि आपकी हम लाइबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं द टूवर्ड्रीब्यूशन आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन कमिट कर दिए आपकी लाइबिलिटी वहीं तक ही लिमिटेड है जैसे अगर कंपनीज की बात करें तो यहां पर भी अलग अलग टाइप की कंपनी होती है बट जनरली जो कंपनीज होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है जिसके अंदर जितने आपने शेयर्स की कमिटमेंट कर दी कि मैं इतने शेयर्स को खरीदूंगा वहीं तक आपकी लाइबिलिटी लिमिट होती है अगर आपने शेयर के रिस्पेक्ट में पैसा नहीं दिया तो मैक्सिमम आपसे शेयर का जो फुल पेड अप अमाउंट है उसको मांगा जा सकता है मतलब फुल जो उनका कैपिटल का अमाउंट था उसको मांगा जा सकता है आपसे और से ज्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती ठीक है ना चलो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो इसको बत, इसको बनाया गया ताकि रेगुलेट कर सके एल एल पी को इंडिया के अंदर फॉर्म कैसे करना है एल एल को और कैसे उसको रेगुलेट करना है एल एल इज एन ऑल्टरनेटिव कॉपरेट कॉपरेट बिजनेस इसके अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनी सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब पार्टनर से अलग है एलएलपी ऐसे अगर हम कंपनी सेट की बात करें तो कंपनी भी जो बनाई जाती है वो उसके शेयर होल्डर से अलग होती है कि कंपनी को कंपनी के नाम से डिनोट करते हैं वही अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के नाम से डिनोट कर सकते हैं आप एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का एक डिफरेंट नेम होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर अगर आपको सू करा जाएगा आपके ऊपर केस करा जाएगा तो यहाँ पर सीधा पार्टनर्स को लिखा जाएगा उस, उस केस के अंदर कि हाँ जी इस पार्टनर को मैं शू कर रहा हूँ वही, LLP को अगर आपको सू करना है केस करना है तो एल का नाम आएगा जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो लिमिटेड एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉन्ट्रीब्यूशन एग्री करेगा कि मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आऊंगा इस पार्टनरशिप के अंदर एल के अंदर ठीक है इसके बाद आता है हमारा एक और एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो की है आई बी एंड बैंक कोड

इसके अंदर एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपको जो आपकी बिजनेस या फिर एंटिटी को बंद करना है क्लोज करना है तो उसके प्रोविजंस को लिखा गया ठीक है ठीक ना साथ साथ ही इस कोड कोड ने ने आईबीसी के एक बोर्ड को भी बनाया ओके okay जी इतने इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है अगर आपको सारे के सारे एक्ट पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर जिन एक्ट का ध्यान रखते हैं उतना ही काफी है आपके रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन के परसपेक्टिव में ठीक है जी चलो नेक्स्ट एक्ट आता है कॉम्पिटिशन एक्ट अब कॉम्पिटिशन एक्ट ये इंश्योर करता है कि कुछ आ, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं हो रही कोई अगर एक डोमिनेंट पोजीशन में पर्सन तो वो कुछ कंपटीशन को किल करने के लिए कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा जैसे कि जो देखा गया था पहले के टाइम में कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत कंपटीशन एक्ट को अप्लाई करा जाता था सीमेंट के केस के अंदर कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी पावर थी सीमेंट के प्राइजेस को ऊपर नीचे फिक्स करने की काइंड ऑफ kind of बन रही थी मोनोप्ली पर तो उसके रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिशन एक कमीशन है इंडिया का जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बोलता है कि अगर हमें दिख रहा है कि आप कॉम्पिटिशन को क्रश करने के लिए काम कर रहे हैं आप अभी कॉम्पिटिशन को क्रश कर देंगे और बाद में जाके गलत प्राइजेस से आप क्या कहते हैं मार्केट से पैसे को रिकवर करेंगे तो उसको क्रश करने के लिए सीसीआई बनाया जाता है जो ध्यान रखता है कि कॉम्पिटिशन को फेयर प्रैक्टिस में काम चल रहा है द कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट किस लिए बनाया गया कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया ट्रू प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन अगर आज के टाइम पे बात करें तो गूगल एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डोमिनेंट पे है और वो थोड़े से ऐसे लाता रहता है जो भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन वगैरह उसके रिस्पेक्ट में कहीं कहीं ना कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के आ, पास लोग जाते रहते हैं कि देखो गूगल ने ये चीज बोली है वो ऐसी बातें हमारे ऊपर थोप रहा है तो ये गलत है वो अलग डोमिनेंट पोजिशन वगैरह पे है तो उसके रिस्पेक्ट में सीसीआई को बनाया रखा है ठीक है ना चलो इसमें प्रोटेक्ट करा जाता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स

इनके बारे में ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं बट बार इसके बारे में डायरेक्शन सुपरविजन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स करती है पावर दे रखी है इन सभी के एक्ट के अंदर ओके okay. जी अगला आता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अब हमने कंपनी के बारे में बात कर ली पार्टनरशिप के बारे में बात कर ली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात कर ली जो वहां पे काम चल रहा था वो बिजनेस रहे था अब ये तोड़ना कि हमेशा बिजनेस ही करना है कोई मतलब रिलीजियस वाला काम के लिए भी कोई एंटिटी बना सकता है कोई टेम्पल को रन करने के लिए कोई रिलीजियस एस्टेबलिशमेंट को रन करने के लिए ऐसी कोई सोसाइटी के फंक्शन सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है कोई क्लब बनाया जा सकता है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सोशल एक्टिविटीज करी जा रही है तो इसके लिए आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इस एक्ट को बनाया गया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज अगर आप बात करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो बनती है वो सारी की सारी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट

उनके साथ कुछ गलत ना हो कंपनी से पैसा बाहर ना निकल जाए उसके रिस्पेक्ट में एक एक्ट को बनाया गया देखो अगर आपको डोनेशन करना नेशनल फंड के अंदर तो तब जो कंपनी एक्ट में प्रोविजन वो अप्लाई नहीं करेंगे स्पेसिफिक एक एक प्रोविजन बनाया बनाया गया एक गया एक्ट कभी देखो आपदा वगैरह आ जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में कंपनीज कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बेसिस में कुछ डोनेशन ना कर पाए ऐसा ना हो तो एक एक्ट बनाया गया डोनेशन टू नेशनल फंड्स तो यहां पर आप डोनेशंस कर सकते हैं आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजन को मानने की

एंड फिर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स के ऊपर मूव कर जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी वगैरह हर के लिए एक इंडिपेंडेंट छोटा सा लेक्चर आ जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी आसानी से रहे इस सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे ओके टाटा बाय बाय